डॉक्टर साहब, आपको कुछ पता चला वो कहां से है? कोई आईडी वाईडी मिली आपको उनके पास से? हाँ, आप देख सकते हैं, आइए। एक सेकंड, मुझे मैं देखती हूँ। हाँ, आइए। हाँ, देना जरा। ये मिला। थैंक यू। सुनो ऋषि, एक बार बाबा से तो पूछो इन्हें कहाँ मिला था ये। एक काम करते हैं, साथ चल के देख लेते हैं। आज ठीक है। किसका एक्सीडेंट हुआ? पता नहीं, कोई बंदा था, बहुत जबरदस्त एक्सीडेंट हुआ था। ऋषि और पोषा उसे हॉस्पिटल ले गए थे। बेचारे की हालत बहुत खराब है, लगता है एक्सीडेंट बहुत बुरा था। एक्सीडेंट? राघव? दादी प्लीज। राघव? नहीं नहीं माँ जी, राघव नहीं। माँ, राघव बिल्कुल ठीक है, आप चिंता ना करो। प्रीति ने कहा ना कोई और है वो, प्लीज आप। मैंने उसे भला बुरा कहा, मेरा बच्चा, मेरा बच्चा, मेरा राग। माँ, 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 अविनाश, माँ, मैं एम्बुलेंस बुला रहा हूँ। आयशा, डॉक्टर विक्रांत को फोन करो, टेल हिम वी आर कमिंग। सब लोग हटिए, उन्हें सांस लेने दीजिए, हवा आने दीजिए थोड़ी। उठिए माँ। दादी। हेलो सीरत, फोन करने के लिए शुक्रिया। तुम एयरपोर्ट पे हो? अच्छा सीरत, अपने ड्यूटी मैनेजर से कह के एक पैसेंजर के बारे में बता सकती हो? राघव, राघव कॉल। हाँ, फ्लाइट नंबर AJ247 टू कैनेडा वाया दिल्ली। हाँ, सिर्फ ये पता करना है कि क्या राघव ने फ्लाइट टाइम पे पकड़ी थी। जी, शुक्रिया। वो हमारी पहचान वाली है, एयरपोर्ट पे काम करती है। थैंक यू सो मच प्रीति, पता नहीं मैं तुम्हारा ये एहसान कैसे। मीना जी, इसमें शुक्रिया की क्या बात है। चलिए पहले माँ जी को देखते हैं। हाँ चलो। तूने फ्लाइट में नाम बदल के राघव कौर का नाम डाल दिया ना? काम हो गया, सबको लगेगा कि उसने कनाडा की फ्लाइट पकड़ ली। ये तुम्हारा ही नाम। थैंक यू सर। तुझे शर्म नहीं आ रही है? इतना बड़ा कांड करके तुझे पार्टी करनी है? नहीं चल रही है पापा, अगर पुलिस को पता चल गया मुझे फांसी पे नहीं चढ़ना पापा, इससे अच्छा ना मेरा एनकाउंटर करा देना। हूं कुछ नहीं होगा तुझे, कुछ नहीं होगा तुझे, मैं हूं ना पापा। अगर पश्मीना उसको हॉस्पिटल ले गई तो, और अगर उसने बता दिया कि मैं ही खूनी और वो मर गया तो? नहीं। नमस्ते जी। नमस्ते जी, कैसे हैं? मैं कैसी एक बढ़िया खबर ले
लेकर आ रही हूँ और ताजा भी। राघव कौन चला गया आप लोगों की जिंदगी से हमेशा के लिए। और मुबारका जी मुबारका। ले तन्नू की हो गया घबरू, तू तो इंज घबरा रहा है जिस तरह राघव कोल का भूत देख लिया है तूने। ओ मैं क्या छड़ छड़ा के चला गया राघव कोल हमेशा के लिए। आनी तो अच्छा कहाँ चला गया ये तो पता नहीं जी। वो पश्मीना और उसका वो नया दुमछल्ला की ना उदा आहो ऋषि वो दोनों गए थे उसको ढूंढने के लिए। गए थे ढूंढने राघव कौल को और लेकर आए किसी अनजाने को। बोलो कौन अनजाने इसको है जी कोई वो पता नहीं किसको उठा के लाए हैं सड़क से। खुन्नम खून हुआ पड़ा है चेहरा उसका। वो बंदे की शनाख्त ही नहीं हो रही। हाँ नहीं तो मरीज का नाम जी हम नहीं जानते इनकी कोई पहचान नहीं मिली। पारस तुम्हारा मोबाइल बज रहा है शायद देखो तो। मैं क्या कह रही थी कि वो एक्सीडेंट वाला बंदा अगर राघव कौल ही हो तो मजा नहीं आ जाए हैं जी। पिक्चरें कम देखा कर बेबी पर अपनी बकवास बंद कर। राघव पश्मीना ऋषि कहीं भी जाएं कहीं भी मरे हमें क्या लेना देना। हमें तो बर्बाद करके निकल लिए ना वो लोग। वही तो मैं सोच रही हूँ ना कि आप लोगों को कैसे नहीं पता कि कहाँ गया राघव कौल। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप लोगों ने ही ओमाशंकर अपनी बेबी की जुबान को तू लगाम लगाएगा या मैं लगाऊं? बेबी तूने कपड़े दे ली ना अब चल यहां से। कुछ तो दाल में काला है बेबी। अरे चले गए यहां से या नहीं चलो। अच्छा मालिक दादी आप प्लीज मत घबराइए वो प्लेन में होगा उसका फोन बंद किया होगा। हाँ सीरत फ्लाइट डिटेल्स पता चली कुछ? थैंक यू सीरत थैंक यू। क्या हुआ? राघव प्लेन पे चढ़ गया है बोर्डिंग लिस्ट में उसका नाम है। दादी आपका लाडला प्लेन पे चढ़ गया है ओके? और जब वो लैंड होगा इतना सुनाऊंगी उसे याद रखेगा वो। प्रीति थैंक यू। कैसे तुम्हारा शुक्रिया अदा करूं समझ नहीं आ रही। पता मुझे इतने बुरे बुरे ख्याल आ रहे थे पता लग रहा था पता नहीं क्या हो जाए। मोना जी माँ जी की तबीयत ठीक नहीं है आपको हिम्मत से काम लेना होगा। और डॉक्टर साहब आप बस माँ को जल्दी ठीक कर दीजिए। आप ब्लड प्रेशर बहुत बढ़ा लिया है लेकिन कोई बात नहीं बोलते ही खबर आ गई है तो सब ठीक हो जाएगा। आप इनका ध्यान दीजिएगा। अल्ताफ भाई ने बोला कि वो आदमी यहीं से मिला था कुछ ना कुछ तो मिल जाना चाहिए। पता नहीं क्यों मुझे कुछ अजीब सा लग रहा है। क्या हुआ ठीक तो? हाँ मैं ठीक हूँ ऋषि। पर यहाँ पे कुछ दिखाई नहीं दे रहा यार। अगर एक्सीडेंट हुआ था तो कार तो मिलती पर यहाँ तो कुछ नहीं है। नीचे चल के देखेंगे। हाँ चलो। ओमा कल तुम गुलमर्ग निकल जाना मैं यहाँ रह के यहाँ का रायता समेटता हूँ। जी मेरे लोग तुम्हें वहां पे मिल जाएंगे। और ओमा चल ऊपर ऊपर बैठ के बात करते हैं। जी मालिक चल।
वैसे गबरू तुम ये खुशी मना रहे हो कि मातम? नहीं मतलब नुकसान तो हुआ पर तू कुछ ज्यादा नहीं टिका रहा। अब पता नहीं अब बात खुशी की है या नुकसान की, पर बात ये है कि राघव कॉल गायब है। गायब है की गल गबरू? बाहर बर्फ पै रही है ते अंदर तो पसीने से तरबतर हो रहा है। एक ना काम करो, आप भी टिका लो, दो पसीने आ जाएंगे आपको भी। ना जी ना, हमें तो अपनी बातों का ही नशा बहुत है। वैसे राघव कॉल के होने ना होने से ना अब कोई खास फर्क नहीं पड़ने वाला। ऋषि को पश्मीना पे भरोसा तो रहा नहीं, पर भरोसा एक ऐसी चीज है ना कि एक बार गया तो गया। मैं क्या शादी तो दोनों कर ही लेंगे, तो चलेगी कितनी ही है जी? ये बार बार पश्मीना पे सुई क्यों अटकी रहती है आपकी? हाँ वो शादी करे या ना करे, जन्नू में जाए, मुझे क्या? ले तो ऐसे छोड़ देगा क्या उनको तू? हैं? ऐसे ही जाने देगा? भई मैं तो कभी किसी को ऐसे ना जाने दूं। अगर मेरी जिंदगी किसी ने ऐसे बर्बाद कर दी हो तो मैं क्या कहती हूं ना, इस पश्मीना को ना बर्बाद कर डाल, कहीं का मत छोड़, ना डल का ते ना ही निषाद बाग का। एक्चुअली मैं तो कहती हूं कि ऋषि को ही किसी कोने में ले जाके ना ठाए उड़ा डालो। क्या बक रही है? सच्ची तो कह रही हूं, अपनी गाड़ी निकालो और जाकर चढ़ा दो, उड़ा डालो। फिल्मों में नहीं देखा तुमने? अपनी बीबी को ले और निकल इधर से। लो जी, और मैंने कौन सा कहा कि गबरू ने सच में ऐसा कर डाला है? आप तो गजब गरज रहे हो मुझ पर। ये तो वही बात हुई जैसे चोर की दाढ़ी में तिनका। बेबी अपनी जुबान बंद कर, चल यहां से। हद भी, ये गबरू तो जरूर कुछ छुपा रहा है, पर मैं भी बेबी सूरी पता तो करके ही रहूंगी। कश्मीर में ऐसी कोई खबर नहीं जिसकी मुझे खबर नहीं हो। आने दो बेबी, चलता पर मुरवाई की क्या? चलो जी। कुछ पता चला? कहीं वो एक्सीडेंट वाली जगह पे तो नहीं गए? कोई फोन नहीं उठा रहा सर। ठीक है, हम वेट करेंगे। जी। पश्मीना एक मिनट। हाँ ता भाई, कैसे हैं वो? मम्मा। क्या बात कर रहे हैं आप? मैं आता हूँ। पश्मीना, मैं आया। हेलो मम्मा, मैं हॉस्पिटल में हूँ, आप कहाँ पे हो? ठीक है मम्मा, मैं भी आती हूँ। डॉक्टर साहब, जिस हालत में वो हमें मिले उस हालत में हम उन्हें यहाँ पे ले आए। हमें नहीं पता वो कौन है, कहाँ के हैं, कोई आईडी नहीं है उनके पास। उनका ऑपरेशन करना होगा,
इसके लिए मरीज के रिश्तेदारों की मर्जी चाहिए, कुछ फॉर्म साइन करने पड़ते हैं, फॉर्मेलिटीज होती है। मैं करूंगी साइन डॉक्टर साहब। जिम्मेदारी आप लेंगे? मरीज की जिम्मेदारी डॉक्टर्स की होती है और उसके बाद उसकी जान की जिम्मेदारी शंभुनाथ की। मैं तो बस एक फॉर्म साइन कर रही हूँ ताकि उसका सही समय पे इलाज हो सके। पश्मीना, डॉक्टर साहब सही बोल रहे हैं, बात सिर्फ फॉर्म साइन करने की नहीं है। कल को पेशेंट को कुछ हो गया, उसको वेंटिलेटर पे रखना है, नहीं वो हम तय नहीं कर सकते, उसकी फैमिली तय करेगी। डॉक्टर साहब आपको उसको हर हालत में बचाना होगा, प्लीज डॉक्टर साहब। ऋषि, जान लेने की जिम्मेदारी सिर्फ ऊपर वाले की होती है, हम तो सिर्फ एक इंसानियत के नाते किसी की मदद कर रहे हैं। हर किसी को जीने का हक है, मुझे लगता है हमें उसकी मदद करनी चाहिए। डॉक्टर साहब जो पश्मीना कह रही है वही होगा, प्लीज आइए फॉर्म साइन। ठीक है डॉक्टर, फॉर्म लेना। डॉक्टर साहब क्या मैं उनसे मिल सकती हूँ? अजनबी, ये कश्मीर है और मुझे कश्मीरियत की कसम, पश्मीना पूरे दिल से प्रार्थना करेगी तेरे लिए। ये धागा, ये मोली शंभू जी का आशीर्वाद है। पश्मीना पूरी अपनी जान लगा देगी जब तक तेरे अपने नहीं मिलते, और तब तक मैं तेरी अपनी हूं। ये लीजिए मैम, फॉर्म फिल कर दीजिए। जी सिस्टर नाच की। वो 42 पेशेंट नंबर का स्लाइन चेंज किया, वही पूछने आया था। स्लाइन और विटामिन्स भी देना है? हाँ। ओके। आंटी क्या हुआ? वो एक्चुअली राघव की टेंशन ले ली माँ ने और उनका बीपी हाई हो गया था, तो डॉक्टर ने एडमिट करने के लिए बोला था। ये दादी भी ना फालतू की टेंशन लेके बैठ गई, बहुत सोचते हैं वो राघव के बारे में क्या कर। अबू क्या माँ, एक जादू की झप्पी ले लो, टेंशन कम हो जाएगा। पश्मीना पूरी अपनी जान लगा देगी जब तक तेरे अपने नहीं मिलते, और तब तक मैं तेरी अपनी हूँ। Thank you.
For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.